सारे फसाद की जड़ आप है मिस्टर अंशुमन झा। ज़बान संभाल और आप भी अपनी ज़बान पर काबू रखिए, समझे? बस 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 प्लीज, हम आप दोनों के आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज बस भगवान जी के लिए चुप हो जाइए। सुरभि मामा बीमार है और आप लोग, और हाँ ये सब हमारे कारण हो रहा है ना, हम ही है ना फसाद की जड़। तो ठीक है, सुरभि माँ के ठीक होते पूरे राय बहादुर खानदान को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा ही हो? नहीं बेटा सुमन, तुम नहीं, दादाजी नहीं। आपकी पेशेंट आईसीयू में है, डॉक्टर ने पूरी फैमिली को बुलाया है। चलो बेटा चल। सुरभि मैम कोमा में चली गई है। लेकिन उनका ब्रेन वर्क कर रहा है, वो रिएक्टिव नहीं है। इनकी हालत बहुत नाजुक है, आप लोग को इनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अंशुमन जी, क्या हो गया? ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? अंशुमन जी शांत हो जाइए, अंशुमन जी संभालिए खुद को। सुमन माँ को कुछ हो गया तो? नहीं अंशुमन जी, ऐसे खुद को दोषी मत मानिए। देखिए इस वक्त हमें कमजोर नहीं पड़ना है, हमारी सुरभि माँ को पहले से ज्यादा अब हमारी जरूरत है, कमजोर नहीं पड़ना हमें। देखो एक बात हमारी ध्यान से सुनो कि हम इस घर में अभी कोई कलह नहीं चाहते। डॉक्टर भी यही कहकर गए हैं कि हम सबको मिलके छोटकी बहू का विशेष ध्यान रखना होगा, हमारी जिम्मेदारी है ताकि हमारी छोटकी बहू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप लोगों को अंदर किसने आने दिया? जाइए यहाँ से। देखिए आपको अपनी बात रखनी चाहिए क्योंकि लोगों को सच का पता चले। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं कहना, आप लोग जाइए यहाँ से। चलिए, मैंने कहा ना, चलिए जाइए आप लोग। मिथिलेश जी, जो हमने सुना क्या वो सब सच है? जो अमोली ने कहा क्या वो सब सच है? राय बहादुर साहब, मैंने सुना है कि आपके बड़े पोते ने गोली चलाई और आपकी छोटी बहू को गोली लगी, क्या ये सच है? आप लोग ऐसे चुप नहीं रह सकते। मैंने आपसे कहा ना हमें कोई जवाब नहीं देना। आप लोग बताइए राय बहादुर साहब, आपके परिवार में क्या खेल चल रहा है? आखिर सुमन किसकी पत्नी है, हमें सच जानना है। आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हैं? हमने कहा ना प्लीज 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 जाइए यहाँ से। आप लोग पत्रकार हैं लेकिन आपके सवालों में कोई मर्यादा नहीं है और ना ही आप लोग संवेदनशील हैं। बस इतना ही कहना है हमें आप लोगों से, बात खत्म। अब आप लोग जाइए जाइए प्लीज प्लीज। किस किस को घर से बाहर निकालोगे राय बहादुर साहब? हाँ अपने समाज के वही लोगों को
जिन्होंने आपको ये बीआर रत्न से सम्मानित किया है। इतनी रात को यहाँ अचानक? जी आना पड़ा, मीडिया वालों से हमें बहुत कुछ सुनने को मिला है। आपका परिवार लगातार सवालों के घेरों में है, इसलिए हमारे बिहार समाज ने फैसला लिया है कि आपको दी गई बिहार रत्न की उपाधि वापस ली जाएगी। हे भगवान, कहीं ये शोर शराबा सभी मां तक ना पहुंच जाए, ऐसा हुआ तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। अरे क्या कह रहे हैं आप? बाऊजी से बिहार रत्न का उपाधि आप कैसे वापस ले सकते हैं? यह उपाधि एक सम्मानित सदस्य को ही मिलती है, हमें इसे देने में गौरव भी महसूस होता है, लेकिन आपके पूरे परिवार का नाम और सम्मान मीडिया में जिस तरह से उछल रहा है ना, सबको पता है, और ऐसे में हमें ही प्रतिष्ठा को संभाल के रखना है। आपको क्या लगता है मीडिया माध्यम ये तय करता है कि हमारे समाज में किसे सम्मान देना चाहिए और किसे नहीं? एक व्यक्ति आदर्श अपने कर्मों से बनता है, और हमारे दादाजी की प्रतिष्ठा, उनका सम्मान, उनके सामाजिक कार्यों की वजह से हमारे दादाजी ने अपने परिवार को आदर्श बनाया है, हमें हमारे मूल्यों, हमारे सम्मान को संभालना सिखाया है। इसलिए आज इतने मुश्किल घड़ी में भी हमारा पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे खड़ा है, और ऐसे में आपको सम्मान वापसी की बात याद आ रही है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हमारी सुरभि मामा कोमा में है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। देखिए, हमारा परिवार इस वक्त बहुत परेशान है, कम से कम हमारे परिवार के बारे में नहीं, आपने जिसको सम्मान दिया, इतना सम्मानित किया, उनके मान का तो ख्याल रख लेते। सम्मान था इसीलिए सम्मानित किया, आज हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, इसलिए हमारे समाज ने सम्मान वापसी का फैसला लिया। हम बस इतना कह रहे हैं कि आप लोग शांत बेटा, ये लोग जो करने आए हैं इन्हें करने दे, हम इनकी किसी बात का कोई विरोध नहीं करते। आप लोगों को बिहार रत्न सम्मान वापस चाहिए ना, कोई अंदर हमारे कमरे से जाकर वो जो बिहार रत्न का सम्मान है वो लाकर। इन्हें नहीं पता होगा हमने वो सम्मान कितना संभाल के रखा है, हम खुद लेकर आते हैं। तुम दोनों मिलकर राय बहादुर खानदान की धरोहर को नहीं संभाल सके, हमें संभाल कर क्या होगा? और बेटा इतने बूढ़े नहीं हुए हम जो हमें तुम लोगों का सहारा लेना पड़े। तुम दोनों अपने आप को संभाल लो, हमारे लिए यही काम। अंशुमन जी, आप सुरभि माँ के पास जाइए, वो अकेली है, हम यहाँ संभाल लेंगे। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा, दादाजी का कमाया हुआ इतने सालों का सम्मान आज उनसे छीनने जा रहा है, ये सब क्या हो गया माँ? क्यों हो गया ये सब? काश आप लोग पूरी सच्चाई जानकर यहाँ आए होते, वैसे भी आप लोगों ने बहुत गलत समय चुना है ये सब तय करने के लिए, हमारी सुरभि मामा कोमा में है, ऐसे में आप लोगों को इंसानियत दिखानी चाहिए, और आप लोग ये है आपका आदर्श समाज, ऐसे इंसानियत दिखाने के चक्कर में अपने समाज के साथ को और नहीं गिरा सकते।
ये बात तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे दादाजी का कितना बड़ा सामाजिक योगदान रहा है। हजारों लोगों की रोजी रोटी, कितनों की निशुल्क शिक्षा, हमारे परिवार को एक आदर्श परिवार बनाया है। अरे हम जैसी एक अनाथ लड़की को इतना सम्मान दिया, इस परिवार ने स्वीकार किया। और सुरभि माँ ने तो हमें माँ का प्यार दिया। अब आप ही बताइए, आज कल के जमाने में ऐसा परिवार कहाँ मिलता है। अरे लड़की, तुम तो रहने दो ना, तुमको हमारे परिवार ने स्वीकारा ना, उसी का नतीजा है जो ये बखेड़ा खड़ा हुआ है। आज बाबूजी के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ये लोग। छोटी कोमा में पड़ी है, भाई भाई का दुश्मन बना पड़ा है, उसी का नतीजा है। कौन सा मनुष्य घड़ी था कि तुमको हमारे परिवार ने स्वीकार कर लिया। ये है आपका आदर्श परिवार जिसकी आप तरफदारी कर रही थी। और एक ऐसा इंसान बिहार रत्न कैसे हो सकता है जिनके परिवार में रिश्तों की कोई मर्यादा ही ना हो। जिन्होंने अपने ही आदर्श और मूल्यों को सड़क पे ला दिया हो। जब ये बिहार के गौरव ही नहीं रहे तो फिर रत्न कैसे रहेंगे। और सीधी सी बात है, ऐसे इंसान को सम्मान देना हमारे समाज पे धब्बा है। बिल्कुल सही कहा आपने। राय बहादुर देवकी नंदन झा इस समाज के लिए एक धब्बा। हमारे जैसे दागदार शख्सियत को ये बिहार रत्न सम्मान पाने का कोई अधिकार नहीं है। हम इस सम्मान के लायक नहीं है। हम सम्मान भी सम्मान के साथ लेते हैं राय बहादुर साहब। अमूलिया जाते जाते भी बम फोड़ के गई है, मान गए जंगली बिल्ली को। ऐसा पंजा मारा है कि पूरा प्रतिष्ठा लेके गई है राय बहादुर खानदान का। चलते हैं। अरे अब बस पे कीजिए, इतना अपमान करके भी आप लोगों का मन नहीं भरा। आप लोगों को जो चाहिए था वो तो आप लोगों को मिल गया। प्लीज जाइए यहाँ से। क्या वो सारे एग्जाम सच है? बताइए राय बहादुर साहब। अरे आपने कहा जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। आपको जवाब देना होगा। आप लोग सुन क्यों नहीं रहे, जाइए यहाँ से प्लीज। इन्हें अब कुछ नहीं चाहिए सुमन, इनको जो मसाला चाहिए था वो इन्हें मिल चुका है। न्यूज़पेपर और टीवी पर परोसने के लिए। क्यों, क्या हुआ? सम्मान पाते वक्त मीडिया वालों के साथ तस्वीरें खींचवाने में बहुत अच्छा लग रहा था परिवार वालों को। क्या हुआ, आज मजा नहीं आ रहा? पहचाना मुझे? अब समय आ गया है कि हम आपको
बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित करें। माफ कीजिएगा राय बहादुर साहब, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। मैम, आप हमसे एज में, एक्सपीरियंस में, एजुकेशन में सबसे बड़ी हैं, इसलिए हम आपको ज्ञान नहीं देंगे। तुमने उस दिन ही मुझे बहुत ज्ञान दिया था सुमन। ओह, आई एम सॉरी मिसेस सुमन झा, लेकिन तुम्हारे विचार और व्यवहार में बहुत फर्क है और ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आप तो हमारा विचार और व्यवहार तय मत कीजिए मैम, प्लीज। आप इतने सालों से रिपोर्टर हैं, उसके बावजूद सही और गलत के बीच फर्क भी नहीं पहचान पा रहे, तो आप हमारे विचार कैसे समझेंगे? पर आप नहीं समझ पाएंगे। लेक्चर बहुत अच्छा देती हो तुम। उस दिन तुम्हारे लेक्चर के वजह से उस लड़की की इज्जत बच गई और शायद इसी वजह से इस घर के लोगों ने तुम्हें अपने घर की बहू बना लिया। लेकिन आज क्या हुआ, आज तुम्हारी वजह से राय बहादुर साहब की बरसों की कमाई हुई इज्जत खाक में मिल गई। हो गए आपके सवाल और जवाब। आपको जो कहना था, जो करना था, आपने कर लिया है। अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप भी जा सकती हैं। उनके जाने से बात खत्म नहीं हो जाता है बड़के बहुआ, हम कहते हैं तो कोई सुनता नहीं है हमारा, है? बाकी वो कहे तो सही रही थी, सारे फसाद का जड़ ही है ये तुम्हारी सुमन। बड़ी माँ, ये जो भी हुआ है अमोली की वजह से हुआ है और अमोली किसकी गलती है ये सब जानते हैं। हाँ ये सही है, अपनी गलती छुपाने के लिए सारी गलती का ब्लेम मुझ पे ही डाल दो, राइट? अरे आप तो ये भी सोचते होंगे ना कि मैं वापस लौट कर आया, जो मर ही गया होता तो ही बेटर रहता, राइट? यहाँ पे अकेले राज करते है ना। हम कुछ कहेंगे ना तो सबको हमारा बात कड़वा लगेगा, बाकी गलती सुमनिया की है, इसको दूसरा शादी करना ही नहीं चाहिए था। जैसा बड़की समदन ने कहा था, विधवा धर्म का पालन करती, फिर नंदन बाबू लौट भी आते तो ऐसा बखेड़ा तो नहीं होता ना। गलत क्यों कह रहे हैं आप सुमनिया? अरे कितना पकड़ पकड़ करेंगे साहब, साफ साफ ही कहा नहीं कहते कि अगर ये लड़की छोटकी की जिंदगी में नहीं आती तो ज्यादा अच्छा होता। अरे बस 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 करो तुम लोग, हमारी बची कुछ इज्जत को तो नीलाम मत करो, बस करो। हाथ जोड़कर विनती करता हूं सबसे, जिसने इस बच्ची को पसंद किया वो खुद अपनी गलती की सजा भुगत रही है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है वो, अब क्या वो अपनी इस भूल की सजा अपनी जान देकर दे? दादाजी, कहाँ चल दी तुम? उपत्रकार, एकदम सही बोली हो, तुम्हारे तुम्हारे व्यवहार में और विचार में ना बहुत बड़ा अंतर है। तुम कहाँ कहीं थी अस्पताल में कि तुम छोटके बउआ और बड़के बउआ दोनों को छोड़ के चली जाओगी? तो गई क्यों नहीं, रुक क्यों गई हो? इस घर में रिश्तों के बीच तो आग लगा दी है तुमने, अब का इस घर को धू धू करके चलते देखने का इंतजार है? चलो निकलो। अरे मां प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए, तुम्हारी सुरभि मां को अब तक होश नहीं आया। हाल तो बात बात करने में सुरभि मां को होश नहीं आया, पर बड़ी मां
मेरी माँ सुरभि माँ को अब तक होश नहीं आया, प्लीज दरवाजा खोलिए। बड़ी माँ हमें सुरभि माँ के पास जाना है। बड़ी माँ हमें ऐसे घर से बाहर मत निकालिए प्लीज। बड़ी माँ प्लीज दरवाजा खोलिए, हम आपसे विनती करते हैं प्लीज। बड़ी माँ हमें हमारी सुरभि माँ के पास रहना है। बड़ी माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप सुमन को कभी कुछ नहीं कहेंगी। आपको कोई अधिकार नहीं बनता उसे घर से बाहर निकालने का। बार बार यही क्यों भूल जाती हैं आप कि वो पत्नी है मेरी।